दुनिया चौदे तबक में कहिया न हक का एक हरफ तो हक सूरत क्यों कह वही किन पाई न बका तरफ किन पाई न बका तरफ। प्राणेश्वर अक्षर अतीत ने हमें सागर की ये वाणी दी है। सागर जानते हैं किसको कहते हैं, जिसमें अथाह जल राशि हो। ये छठा सागर है इल्म का। अक्षरातीत के हृदय में जो इल्म का सागर क्रीड़ा कर रहा है उसकी एक लहर परिक्रमा ग्रंथ के अनुसार इल्म का सागर कहलाती है। जब आप सागर ग्रंथ में आठ सागरों का वर्णन पढ़ेंगे तो ये आठों सागर किसके अंदर हैं, राजी के दिल में। जब परिक्रमा ग्रंथ के अनुसार आठों सागरों का वर्णन पढ़ेंगे तो राज्य के दिल में ये आठों सागरों की एक एक लहर इन आठ सागरों का रूप ले लेती है जो परम धाम की आठ दिशाओं में दृष्टिगोचर होते हैं। हमारी मानवीय बुद्धि उन सागरों को कैसे समझे उसको परिक्रमा ग्रंथ में सागर ग्रंथ में समझाने का एक थोड़ा सा प्रयास किया गया है। जब आपको इल्म के सागर की बात कही जाती है तो आपके मन में संशय होता है कि इल्म किसको कहते हैं, ज्ञान का सागर कैसा होता है। जैसे आप नूर के सागर को देख सकते हैं, नीर को भी देख सकते हैं, चौथे सागर युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को भी देख सकते हैं, लेकिन इश्क को कैसे देखेंगे, इल्म को कैसे देखेंगे। इश्क और इल्म तो अनुभव जन्य है। नूर का सागर क्या है, राज्य के मुखार बिंद पर जो नूर की अलौकिक शोभा है, नख से सिख तक वो नूर का सागर है। एक एक नख में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश है, तो आप उसको तो आप देख लेंगे। अपनी परात्मक दृष्टि देखिए, आत्मा के दृष्टि देखिए, लेकिन किसी आत्मा के हृदय में जो प्रेम उमड़ रहा है, राज्य श्यामा जी के हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, उसको तो लीला से ही जाना जा सकता है। इल्म और इश्क दोनों एक दूसरे के प्राण है। निस्बत के स्वरूप को हम मान सकते हैं कि आंखों से देखा जा सकता है, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को भी हम परात्म के नेत्रों से या आत्मा के नेत्रों से देख सकते हैं, लेकिन जो इल्म है वो तो राज्य के हृदय में उमड़ता हुआ वह स्वरूप है जिसको केवल अनुभव किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि इल्म कहेंगे किसको। हम क्षर के ब्रह्मांड से इल्म का अर्थ होता है हिंदी में ज्ञान, संस्कृत में उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान क्या है, थोड़ी सी मैं शास्त्रीय विवेचना कर दूं। धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। मैं थोड़ी देर के लिए आपको तारतम वाणी से अलग शास्त्रीय परंपरा के अनुसार ज्ञान किसको कहते हैं वो मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है वही प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है और वो अनंत है, और वो किसका लक्षण है, ब्रह्म का। तुलसीदास जी ने एक ये कबीर दास जी ने एक बहुत सरल शब्दों में बहुत ऊंची बात कही है कि सांच बराबर तपने झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सबने क्या माना कि जो सत्य है वही परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए तो कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्य है वही ज्ञान है और वो अनंत है और वही ब्रह्म का स्वरूप है। ये उपनिषद की भाषा में, तैतरीय उपनिषद की भाषा में कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथों ने क्या कहा, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म जो है प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। जब आप ज्ञान की बात करते हैं तो पूछा जाए कैसा ज्ञान। देखिए ज्ञान उसको कहते हैं जो किसी भी पदार्थ का, चाहे चेतन वा हो या जड़ हो, उसको यथार्थ रूप में बोध कराए वह ज्ञान कहलाता है। दो पदार्थ होते हैं, एक तो चेतन होता है और एक जड़ होता है। चेतन में दो स्वरूप होते हैं, एक आत्मचेतन एक परात्मचेतन। अध्यात्म का ज्ञान अलग है और भौतिकवाद का ज्ञान अलग है। प्रायः सामान्य मानव भौतिक ज्ञान को ही ज्ञान समझता है। जैसे
आजकल संसार में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में बड़ी बड़ी डिग्रियां दी जाती हैं। प्रोफेसरों का सारा जीवन किताबों के पन्ने पलटने में लग जाता है। कोई भूगर्भ शास्त्री है, कोई अंतरिक्ष विज्ञान का जाता है, कोई चिकित्सा शास्त्र में बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, देखिए कोई पीएचडी कर रहा है, कोई एमडी से भी ऊपर पीएचडी की डिग्री होती है। कितनी उम्र लग जाती है। संसार में बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने हुए हैं और मनुष्य उन ग्रंथों के बोझ को ढोता रहता है, लेकिन वो सभी क्या है? पदार्थ विद्या। चाहे आप वायान बना लीजिए, चिकित्सा के जितनी विधियां हैं सबका अध्ययन कर लीजिए, अंतरिक्ष विज्ञान में सारे ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन शून्य से आप एक धूल का कण भी नहीं बना सकते हैं। पदार्थ से पदार्थ को बना लेंगे, मिट्टी से आप घड़ा बना लोगे, लेकिन मिट्टी का एक कण शून्य में कहां से बनाओगे? आपको बनाने की सामर्थ्य नहीं है। आप एक अणु का भी निर्माण नहीं कर सकते, परमाणु का भी निर्माण नहीं कर सकते। पदार्थ से वस्तुओं का निर्माण आप कर लेंगे, मनुष्य कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, लेकिन वो शून्य से अर्थात जो अवस्तु से, जो कोई हो नहीं, उससे नए पदार्थ का निर्माण करने की सामर्थ्य उसके पास नहीं है। दूसरा जो ज्ञान होता है वो चैतन्य का ज्ञान होता है कि हमारे अंदर एक चेतना है जो सुख दुख का अनुभव करती है। दीवाल को सुख दुख का अनुभव नहीं होता। और इसकी तरफ जब हम देखते हैं तो चारों वेदों का ज्ञान आता है, कुरान का ज्ञान आता है, बाइबल का ज्ञान आता है। ये सभी धर्म ग्रंथ क्या बताते हैं कि एक तरफ ये माया का जगत है पंचभूतात्मक, और दूसरी तरफ आत्मविद्या है, परात्म विद्या है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाए वह है आध्यात्मिक ज्ञान। और भौतिक विज्ञान में संसार की सारी विद्याएं आ जाती हैं। आजकल विश्वविद्यालयों में यही पढ़ाया जा रहा है, और इन विश्वविद्यालयों में जो डिग्री बड़ी बड़ी ले लेते हैं वो अध्यात्म विद्या को 99% मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। उनको क्या लगता है? परमात्मा नाम की एक कल्पना है, ज्ञान उनके पास भी है, वो भी दिन रात पढ़ते हैं। आप उनको अज्ञानी नहीं कह सकते, वो भी कहेंगे कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। जिसको ज्ञान कहा गया है वो पूर्ण ज्ञान है। अक्षरातीत के हृदय में कैसा ज्ञान है मैं आपको थोड़ा सा संकेत करके बताऊंगा। सृष्टि में जो कुछ ज्ञान है वो नारायण के पास है, क्योंकि संसार के सारे प्राणी, ऋषि मुनि देवी देवता कहां से ज्ञान लेते हैं? आदि नारायण के हृदय से। अब विद्या और अविद्या के बारे में दो चीजें मैं आपको बताता हूं कि ज्ञान किसको कहते हैं। अविद्या का लक्षण क्या है? अनित्य को जो नित्य मानता है, अनात्म को आत्मा मानता है, दुख को जो सुख मानता है और अपवित्र को जो पवित्र मानता है, वो अविद्या का लक्षण है। विद्या किसको कहते हैं? साविद्या या विमुक्ते। विद्या वह है जिससे मनुष्य भव सागर से पार हो जाए। अविद्या मृत्युम त्रित्वा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या से अमृत प्राप्त होता है और अविद्या से मनुष्य कर्म करने के लिए विवश होता है, कर्म के बंधन में पड़ा रहता है, उससे परे नहीं हो पाता। लेकिन अविद्या ही तो है जो सृष्टि चक्र को चला रही है। विद्या से उस सृष्टि चक्र से पार हुआ जा सकता है, पार हुआ जाता है, लेकिन अविद्या के बिना कैसे संसार में क्रिया होगी? इसलिए कर्म और फल, सुख दुख का भोग जो सृष्टि कर रही है उसमें अविद्या का होना आवश्यक है। इसलिए विद्या और अविद्या दोनों को जानना आवश्यक है। यह तो शास्त्रीय पक्ष होता है। संसार में जो कुछ ज्ञान है उसमें सर्वज्ञता का दावा कौन कर सकता है? केवल आदि नारायण। कितनी गैलेक्सियां हैं, कितने प्राणी हैं, कौन कौन क्या कर रहा है, एक मनुष्य नहीं जान सकता, चाहे कितना भी विद्वान हो। जैसे संसार का सबसे बड़ा सिद्ध पुरुष होगा, वो भी सर्वज्ञ नहीं बन सकता, वो एक सीमा विशेष में सर्वज्ञ है। लेकिन मनुष्य तो जिस परमात्मा की कल्पना करता है वो आदि नारायण से अधिक का के बारे में कुछ नहीं जानता। 14 तब को बका का कोई बोले ना एक हरफ, 14 लोगों के
इस ब्रह्मांड में, चाहे वैकुंठ में कोई रहने वाला हो, स्वर्ग में रहने वाला हो, कोई ये नहीं जानता कि निराकार से परे है क्या। और निराकार के अंदर हमारे 14 लोकों जैसे असंख्य ब्रह्मांड पानी के बुलबुल की तरह पैदा होते हैं, उसी में डूबते उतराते रहते हैं। आप सोचिए, एक सामान्य प्राणी जो मानव के रूप में पैदा होता है, कुछ कॉलेज में पढ़ता है, कुछ विश्वविद्यालय में पढ़ लेता है, कुछ किताबों को याद कर लेता है, तो अपने ज्ञान का दम भरता है। लेकिन जब वो सारे संसार की विद्याओं के समक्ष अपने को देखे तो क्या सोचेगा कि वो समुद्र के किनारे धूल का एक कण भी नहीं है। मैं क्षर जगत के ज्ञान के बारे में बता रहा हूं। इसके परे क्या है? अक्षर का ज्ञान है, बेहद मंडल का ज्ञान है। नारायण को निराकार से परे का ज्ञान नहीं है। जिस क्षण नारायण को निराकार से परे का ज्ञान होगा, उसी क्षण सृष्टि का लय हो जाएगा, नारायण भी अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। और जो बेहद का ज्ञान रखता है कौन? अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म को भी परम धाम का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। इतना ज्ञात है कि 25 पक्ष हैं, लेकिन उनकी वास्तविक शोभा क्या है उनको भी पता नहीं। अक्षर अतीत के महल में प्रेम इश्क वर्तत, सोसुद अक्षर को नहीं जो किन्वित कल कर। अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम को जानते हैं, बेहद मंडल को जानते हैं, और कालमाया के ब्रह्मांड की सारी बातों को जानते हैं। आदि नारायण कालमाया की सारी बातों को जानते हैं, संपूर्ण विद्याओं के वो स्वामी हैं, और सारी सृष्टि उनको सर्वोच्च परमात्मा कह करके मानती है। लेकिन मैंने अभी कहा नारायण अक्षर के बारे में नहीं जानते, और अक्षर अक्षर अतीत के बारे में नहीं जानते। अक्षर अतीत सबको जानते हैं, परम धाम के जर्रे जर्रे को जानते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस क्षर जगत में तो तरह तरह की विद्याएं हैं, भूगर्भ विद्याएं, चिकित्सा शास्त्र है, वायान विद्याएं, भौतिक विद्याएं, सब विद्याएं। राज्य के हृदय में जो इल्म का सागर लहरा रहा है, अनंत सागर, उसमें क्या लिखा है? आपने कभी सोचा है कि उस इल्म के सागर का स्वरूप क्या होगा? नूर के सागर का तो आप वर्णन कर देंगे। सागर ग्रंथ में चौथे सागर के रूप में राजी, श्यामा जी और सखियों के श्रृंगार का वर्णन है। रूहों की शोभा का वर्णन किया गया है जो दूसरा सागर है। नूर सागर राज्य के श्रृंगार का सागर, नख से सिख तक राज्य के मुखारविंद में जो नूर की आभा झलक रही वह नूर सागर है। जो नीर सागर है सखियों की शोभा है। जो उनके हृदय में एक दिली का रस है वो वहदत का सागर है। लेकिन वहदत भी अनुभव में आएगा, देखा कैसे जा सकता है? वहदत की लीला से वहदत को जाना जाएगा, इश्क की लीला से इश्क को पहचाना जाएगा। इश्क का कोई मूर्त रूप नहीं है कि उसको देखा जा सके। हाँ, नख से सिख तक कणकण में परम धाम में केवल इश्क ही इश्क है, तो आप कह सकते हैं कि हम इश्क को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन इल्म को आप कैसे देखेंगे? राज्य के दिल में कैसा इल्म है? अब ये संशय पैदा करता है। हम संसार के इल्म के बारे में जानते हैं, बेहद का ज्ञान क्या है उसके बारे में अक्षर को मालूम है कि बेहद का विस्तार कितना है, बेहद की लीला क्या है, ये उनका विषय है। हम सुंदर सात सागर श्रृंगार पढ़ते हैं, परिक्रमा पढ़ते हैं, क्या हम जानते हैं कि परम धाम का इल्म क्या है? हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आठों सागरों के ज्ञान को परमधाम का सागर कहते हैं, परमधाम का इल्म कहते हैं, जो राज्य के हृदय में है। आठों सागरों के रूप में क्या है? नख से सिख तक राज्य की शोभा है। दूसरे सागर में सखियों की शोभा का वर्णन है। तीसरे सागर में हृदय में एकत्व की लीला का सुख है। चौथे सागर के रूप में युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर है। पांचवें में इश्क की व्याख्या है। छठे में इल्म की व्याख्या है। सातवें में मूल संबंध की व्याख्या है। और आठवें में सबका रस है। तो प्रश्न ये है कि छठा सागर जो इल्म का सागर है वो क्या है? इल्म के सागर में मुख्यतः तीन बातें बताई गई हैं। शोभा क्या है और लीला क्या है। शोभा क्या है, धाम क्या है और लीला क्या है। धाम का विस्तार क्या है, वहां की शोभा क्या है और लीला का आनंद क्या है, प्रेम क्या है, आनंद क्या है, यही सारी बातें इल्म के अंतर्गत आती है। हमें जो दिया गया है, जैसे
गंगा के जल को एक शीशी में भर लेंगे तो क्या कहेंगे? ये गंगा है। एक शीशी में कितना गंगा का जल आएगा? गंगा में तो अथाह जल राशि है, गंगोत्री से प्रवाहित हो रही है। आप देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हमने एक छोटी सी शीशी में थोड़ा सा भर लिया, 50 मिलीलीटर के बराबर भर लिया और सबको दिखाते फिरते हैं, देखिए मैंने गंगा को भर लिया है। उसी तरह से अक्षरातीत के धाम में अनंत लीला का जो सुख है, अब प्रश्न ये होगा कि लीला का क्या सुख है, उसको मानवीय बुद्धि से नहीं देखा जा सकता। आप प्रश्न करेंगे वहां के अनंत सौंदर्य का वर्णन हम कैसे करेंगे, तो हमारी मानवीय बुद्धि उसको समझने में अक्षम है। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि परमधाम कितना बड़ा है। आप देखिए संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आकाश की माप कर सके। मनुष्य जितने अनंत आकाश की कल्पना करेगा, आकाश उससे भी ज्यादा अनंत है। और आकाश से भी विस्तृत रूप किसका है? अहंकार का। अहंकार से भी बड़ा कौन है? महातत्व। महातत्व से भी विशाल कौन है? कारण प्रकृति। आज तक वैज्ञानिक ये नहीं बता पाए कि ये करोड़ों आकाश गंगाएं जिस डार्क मैटर से बनती हैं उसका विस्तार क्या है। दुनिया केवल 18% जानती, 12% ही जानती है, अधिक कुछ नहीं जानती। सब मौन हो जाते हैं। निराकार के बारे में दुनिया नहीं जानती, उसके परे के बारे में क्या जाएंगे। आज तक संसार में कोई भी वैज्ञानिक नहीं हुआ जो ये बता दे कि ये सृष्टि बनती कहां से। वेद में एक मंत्र में कहा गया है स्पष्ट रूप से, यम विसृष्टि यत आपभुवा यदि वा दधे यदि वा न यो अस्य अध्यक्ष परमेम व्योमन स्यो अंग वेद यदि वा न वेद। केवल परमात्मा ही जानता है कि यह सृष्टि कहां से पैदा हुई है और कहां लय को प्राप्त होती है। मानव के बस में नहीं है कि यह बता सके कि सृष्टि कहां से पैदा हुई है। आपको तारतम ज्ञान का प्रकाश मिला है, आप चुटकी बजाते कह देते हैं कि अव्याकृत से मोह सागर का प्रकटन होता है, अव्याकृत के संकल्प से अक्षर का मन प्रतिबिंबित होता है, नारायण का रूप ले लेता है, उससे सृष्टि बनती है, क्योंकि आपने तारतम ज्ञान से इस गुत्थी को हल कर लिया। संसार के पास तो ये ज्ञान नहीं है। आप आसानी से कह देते हैं कि राज्य का स्वरूप ऐसा है। चारों वेदों को पढ़ने वाले ये नहीं बता सकते कि जो सचित आनंद का स्वरूप है उसका स्वरूप कैसा है। जो आनंदमय क्रीड़ा में लगने हैं, जिसकी लीला ही आनंद की है, जिसका स्वरूप ही प्रेम का है, जो असीम सौंदर्य का सागर है, वो है वह कैसा? यदि वो उसका स्वरूप नहीं तो लीला कैसे करेगा? स्वरूप नहीं तो आनंद कहां से होगा? क्योंकि मिठास है तभी जब शक्कर होगा, शक्कर नहीं तो मिठास कहां से। प्रेम आनंद और सौंदर्य तभी होंगे जब वैसा कोई स्वरूप होगा, लेकिन कैसा स्वरूप है संसार में कौन बताएगा। इसलिए इन रहस्यों से जो पर्दा उठाकर परम धाम में उस संपूर्ण लीला का बोध करा दे, कैसा है परमात्मा, कहां है परमात्मा, कैसे वो मिलेगा, उसको कहते हैं इल्म का सागर, उसको कहते हैं खुदाई इल्म, ब्राह्मिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। और वो क्या है? इस संसार में हम उतना ही ग्रहण कर पा रहे हैं जितना महामती जी के धाम हृदय में क्रीड़ा करने वाले सागर की एक बूंद को लिया जाता है। ये वाणी क्या है? एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए थिरचर, इन एक बूंद की सिफत देखियो, सुख होसी कैसा सागरो बल। राज्य के दिल में इल्म के अनंत सागर हैं, और उन अनंत सागरों की एक बूंद महामती जी के धाम हृदय में आती है और स्वयं सागर बन जाती है। हम तारतम वाणी के ज्ञान रूपी सागर से एक बूंद को ही ग्रहण कर पाते हैं। अब सोचिए किन एक बूंद ना पाया रसना भी वचन, ब्रह्मांड धनियो खोजिया जो काव्यत्र। इस सृष्टि में जो भी अग्रगण्य हो गए हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि के महानतम योगी हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने सच्चिदानंद परब्रह्म की खोज में अपने को लगा दिया। किन एक बूंद न पाया रसना भी वचन, कोई एक शब्द भी नहीं बोल सका कि बेहद से परे सो लीला अद्वैत का कैसा है। जहां एक ही सच्चिदानंद परब्रह्म अनंत रूपों में क्रीड़ा कर रहा हो, उस सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप कैसा है, उस सच्चिदानंद परब्रह्म की लीला के बारे में, स्वरूप के बारे में, आनंद के बारे में सबने क्या कह दिया कि अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर। अद्वैत की व्याख्या वही करेगा
जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया हो, जिसको अपने मैं और मेरे का बोध रहेगा, अर्थात जिसकी सुरता इस पंचभौतिक त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड में रहेगी, वो अद्वैत की व्याख्या कर ही नहीं सकता। इसका आशय क्या है? मन और बुद्धि से कभी भी परब्रह्म के धाम, स्वरूप और लीला की व्याख्या नहीं की जा सकती। पुराण संहिता के अंदर भगवान शिव कहते हैं कि हे व्यास, मैं एक कल्प तो क्या, करोड़ों कल्पों में भी परम धाम के एक पत्ते की व्याख्या नहीं कर सकता। परम धाम की संपूर्ण शोभा का वर्णन करना तो असंभव है। इसलिए स्वयं श्री राज जी क्या कहते हैं, ये निर्णय करना अर्ष का, तिनवें भी हक जात नूर अकल इत क्या करे, जित लदुनी को देखा। मैं आपको आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में एक सीमा बताता हूं। संसार में जितने भी बड़े बड़े पैगंबर हुए, सबने ज्ञान कहां से पाया? परब्रह्म के जोश से, जिसको कहते जिब्रेल कतेब की भाषा में। संत साहित्य में उसको अनादि सतगुरु कहते हैं। उसी जोश स्वरूप की जब कृपा हुई तो कबीर जी ने 52 शब्द कहे, 52 साखियां कही, आप बीजक में जो भी है वो जिब्रिल की कृपा से, जिसको जोश कहते हैं, उसी शक्ति के द्वारा योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उसी शक्ति के द्वारा सुखदेव जी ने महाराज का वर्णन करने का प्रयास किया था, और उसी शक्ति की कृपा से शंकर जी ने उमा को अखंड बेहद और परम धाम का कुछ ज्ञान दिया। अपनी मानवीय बुद्धि से निराकार से परे का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। परिक्रमा में क्या कहा है, सुपन बुद्ध बैकुंठ लो या निरंजन निराकार, सोक्यों सुन्न को उलंग के सखी मेरी ले व्यापार। आप देखिए, और वह जिब्रील स्वयं परम धाम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वलीला अद्वैत है। ये निर्णय करना अर्श का, तिनमें भी अहक जात अस्त्राफेल, जो अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि है, अक्षर ब्रह्म की जो क्रिया शक्ति है वो क्या है, जिब्रेल, जिसके द्वारा अखंड का ज्ञान आता रहा है। ज्ञान शक्ति क्या है, वो है अस्त्राफेल। ये निर्णय करना अर्श का, तिनमें भी अहक जात, परम धाम की शोभा क्या है, परम धाम का विस्तार क्या है, और श्यामा जी के सखियों की शोभा क्या है, संपूर्ण लीला रूप जितने पदार्थ हैं उसकी शोभा, प्रेम, आनंद और सौंदर्य का वर्णन करने में जित लदुनी गोते खात। लदुनी क्या है, अक्षरातीत की जो निज बुद्धि है, जो तारतम ज्ञान है, अक्षरातीत के हृदय से जो ज्ञान का प्रभाव फूट रहा है। लदुनी गोते खात का तात्पर्य क्या है, गोते खाने किसको कहते हैं, जैसे नदी में कोई डूब रहा है, उतरा रहे हैं, तो उसको क्या कहें, गोते खाना, अर्थात एक असमर्थता सी व्यक्त की जाती है गोते खाने के रूप में। जैसे किसी को किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो क्या कहते हैं कि वो तो गोते खा रहे हैं। उसी तरह से नूर अकल इत क्या करे जित लदुनी गोते खात। लदुनी कहते हैं तारतम को। तारतम गोते खा रहे का तात्पर्य क्या है, तारतम क्या है, साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को होता। इंद्रावती जी के अंदर राज्य का साक्षात स्वरूप है, जिनको जिसके कारण उन्हें तारतम का अवतार कहते हैं। तो तारतम का अर्थ यहां क्या करेंगे, जित लदुनी गोते खा, लदुनी को हिंदी में तारतम कहते हैं। इल्मे लदुनी को हिंदी में क्या कहेंगे, तारतम ज्ञान। अब वो तारतम ज्ञान क्या है, जो अक्षरातीत के आवेश स्वरूप के द्वारा इस संसार में प्रकट हो रहा है, वो है तारतम ज्ञान। अर्थात खुदाई इल्म भी, ब्राह्मिक ज्ञान भी श्यामा जी के सखियों की अक्षरातीत की शोभा का वर्णन करने में असमर्थ हो पा रहा है, क्योंकि इस संसार में कोई उपमा के योग्य पदार्थ ही नहीं है। इसलिए राज्य की भी निज बुद्धि को यहां गोते खाना पड़ रहा है। अब प्रश्न यह होता है, आज हमारी स्थिति क्या है। देखिए, संसार में ज्ञान की धारा कभी भी अखंड तभी रह सकती है जब उस ज्ञान की ज्योति को निरंतर जलाया जाए। मैं प्राचीन भारत से लेकर अब तक के कुछ घटनाक्रमों पर प्रकाश डालना चाहूंगा।
प्राचीन काल में पद्धति क्या थी, गुरुकुल परंपरा थी, आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी है। शिक्षा क्या है? शिक्षा का अर्थ साक्षरता नहीं है। साक्षर होने का तात्पर्य है आपने किताबें पढ़ लिया, अक्षरों का ज्ञान कर लिया। जैसे आपने पीएचडी कर ली तो आप शिक्षित तो साक्षर तो कहलाएंगे, शिक्षित नहीं कहलाएंगे। शिक्षक का अर्थ क्या है? बौद्धिक ज्ञान के साथ उसमें संस्कारों का समावेश होना चाहिए तो वो शिक्षा कहलाती है। सा विद्या या विमुक्ते, आपने डिग्रियां तो बहुत अधिक ले ली है, आप शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, दुराचार करते हैं, शिष्टाचार आपके पास नहीं, तो आपको किस आधार पर शिक्षा कहा शिक्षित कहा जा सकता है? राष्ट्र की शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए? जो मानव को मानव बनाए। इसलिए वेद ने क्या कहा, मनुर्भव। जब तक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगी, अर्थ करी विद्या मनुष्य को कभी भी सुख शांति के मार्ग पर नहीं ले जा सकती। आज पश्चात जगत के पास बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत धन है उनके पास। कोई कैम्ब्रिज में पढ़ करके आता है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ करके आता है तो सीना तान करके चलता है कि मैं वहां पढ़ करके आया हूं। आप जानते हैं, कभी आपने सोचा भी है कि जब यूरोप वालों को कपड़े पहनने का ढंग नहीं आता था तब भारत में विश्वविद्यालय की परंपरा थी। एक एक ऋषि एक एक विश्वविद्यालय का रूप हुआ करता था। इलाहाबाद में, प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि का आश्रम था। जानते हैं उनके आश्रम में कितने विद्यार्थी पढ़ते थे? 10,000। दुर्वासा ऋषि के आश्रम में कितने शिष्य रहते थे मालूम है? 10,000। एक एक ऋषि के पास 10,000 विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे। उस समय भारत में शायद ही कोई होगा जो अशिक्षित रहा, और उसमें सभी विद्याएं पढ़ाई जाती थी, आध्यात्मिक विद्या भी और भौतिक विद्या भी। शिक्षा का वह रूप था जिसमें तप, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, शालीनता, सब कुछ शिक्षा मिलती थी। लेकिन आज का मानव विश्वविद्यालय की बड़ी से बड़ी डिग्री लेने के बाद भी जानते हैं क्या करता है? हांगकांग में, वैसे इल्म के सागर की चर्चा में ये सांसारिक बातें कहना उचित नहीं है, लेकिन आज कुछ विषय ऐसा है कि हमने परम धाम के अलौकिक तारतम्य ज्ञान को लेकर के क्या किया है अब तक। आज हमारा देश 1,000 साल की गुलामी के बाद 75 साल अब इसको स्वतंत्र हुए हो गए। कभी किसी ने सोचा है कि हम 1,000 वर्षों तक क्यों गुलाम बने रहे? याद रखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी पहली आवश्यकता क्या है? शिक्षा। शिक्षा नहीं है तो एक मनुष्य में और एक पशु में कोई भी अंतर नहीं है। वाल्मीकि जी ने क्या कहा है, ये सामने विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वो क्या है? ते मर्त्यलोके भूय भार भूता, वे पृथ्वी पर भार के समान है। और मनुष्य रूपेण, शरीर तो उनका मनुष्य का है लेकिन हिरण के समान उनका जीवन है, जो खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को यदि मनुष्य बनाना है तो उसके लिए भोजन से भी पहली आवश्यकता है शिक्षा। शिक्षा का पतन कब होता है? हर कोई सोचता है कि धन मिल जाए, शिक्षा नहीं तो क्या नुकसान है। पहले यह देश गरीब नहीं था, सोने की चिड़िया कहलाता था। शिक्षा हटी तो आप जानते हैं क्या परिणाम हुआ? जिस देश में एकम सद बौद्धा विप्रा वदंती का उद्घोष होता था, वह देश पत्थरों की पूजा करने लगा। शालिग्राम की पूजा किया, शिवलिंग की पूजा किया, वृक्षों की पूजा किया, नदियों की, तालाबों की पूजा करने लगा। वेद में कहाँ लिखा है? क्योंकि इस देश के लोगों ने वेद पढ़ना छोड़ दिया, उपनिषद पढ़ना छोड़ दिया, गीता पढ़ना छोड़ दिया। मनमाने पंथ बनते गए, कल्पना करके जिसके मन में जो आया पंथ बनाता गया। और जब शिक्षा नहीं रही तो क्या हुआ? यज्ञों के नाम पर पशु बलि दी जाने लगी। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? बुद्ध ने घोषणा कर दी कि मैं ऐसे किसी भी धर्म को नहीं मानता, ऐसे की परमात्मा को नहीं मानता, ऐसे किसी वेद को नहीं मानता जिसके नाम पर हिंसा की जाए। वो हिंसा के घोर विरोधी थे।
बुद्ध ने जिस सत्य को पाया था उनके शिष्य उस सत्य की व्याख्या यथार्थ रूप में नहीं कर पाए, एक नास्तिकवाद शुरू हो गया। जैन मत से भी अनादि परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, अविद्या का अंधकार बढ़ता गया, परिणाम आक्रमण होता है विदेशी एक विचारधारा का, मुस्लिम आक्रमण का हुआ, पठानों के रूप में, तुर्कों के रूप में, फिर मुगल आए, अफगान आए, और इन्होंने देश को हजार वर्षों तक गुलाम बनाए रखा। उसके पश्चात कौन आया? अंग्रेज आए, और आप जानते हैं सबने इस देश को लूटा, और हिंदू जो सारे विश्व को कभी जान दिया करते थे, मनुस्मृति में लिखा है एक तदेश प्रसुतस्य सकसात अग्र जन्मना स्वसम चरित्रम शिक्षे रहना पृथ्व्याम सर्वमानया, पृथ्वी पर उत्पन्न हुए सभी मनुष्यों ने इस देश में शिक्षा ली है। मैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बात कर रहा था, बख्तियार खिलजी जब खिलजी वंश का शासन था दिल्ली में, तो उसमें बख्तियार खिलजी सिंहासन पर था और नालंदा का विश्वविद्यालय चल रहा था, एक दो शताब्दियों से नहीं, कई सौ शताब्दियों से, कई शताब्दियों से। तो बख्तियार खिलजी तो मैं समझता हूँ 13वीं सदी के आसपास होगा, और यह कम से कम 500-600-700 वर्षों से नालंदा विश्वविद्यालय चल रहा था। आप सोचेंगे कि मैं आज विश्वविद्यालय की बात क्यों कर रहा हूं, धनवान होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण होना है शिक्षित होना। जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, यह क्रिश्चियन मिशनरी ने बनवाया था केवल बाइबल के प्रचार के लिए, कालांतर में उसका विकास होते गया और उसमें से जो विद्वान पैदा होते गए उन्होंने जानते हैं क्या किया, सारी दुनिया में अकेले राज किए। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज में सूरज कभी नहीं उगता था, और उस समय भारत में क्या चल रहा था, हिंदू अधिकतर अनपढ़ होते थे, थोड़ी बहुत कॉमेडी पढ़ ली, थोड़ा सा व्याकरण पढ़ लिया, थोड़ा सा पुराण पढ़ लिया, वो विद्वान बन जाता था। और क्या शिक्षा देता था, शालिग्राम की पूजा सर्वोपरि है, शालिग्राम तुलसी का विवाह कराता था, शिवलिंग की पूजा करवाता था, नदियों की, पत्थरों की, न जाने क्या क्या करवाता था, क्योंकि कोई वेद का उपदेश देने वाला नहीं था, कोई वेदांत को पढ़ाने वाला नहीं था, कोई उपनिषद को पढ़ाने वाला नहीं था। आज भी हिंदू समाज में जो कुछ हो रहा है 70% वेद शास्त्र के उल्टा होता है। आप किसको समझाएंगे, यदि आपने समझाने का प्रयास किया तो यही हिंदू जनता आपको पत्थर से प्रहार करती है कि आप हमारी मान्यताओं के विपरीत क्यों बोल रहे हैं। मैं तो हिंदू समाज के पतन की कहानी बता रहा हूं कि शिक्षा के न रहने से क्या होता गया। कोई चाणक्य नहीं था जो मुगल आक्रांताओं से इस देश की रक्षा करता, चाणक्य का निर्माण किसने किया था, तक्षशिला ने किया था। यदि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड नहीं होते तो अंग्रेजों का राज पूरी दुनिया में नहीं फैल सकता था। उनके राज्य में जो कहा जाता था कि सूरज कभी डूबता नहीं, चाइना में भी राज था, अमेरिका में भी राज था, और अब पूरे अफ्रीका पर किसका राज था, फ्रांसीसियों का राज था। भारत के 40 करोड़ लोग किसके गुलाम थे, 2 करोड़ अंग्रेजों के गुलाम थे। भारत में 2 लाख भी अंग्रेज नहीं रखते थे, मैं समझता हूं 1 लाख भी अंग्रेज नहीं रहते थे भारत में, लेकिन शासन किस पर चलाते थे, 40 करोड़ हिंदुस्तानियों पर। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं थे। इसलिए मैं तो इस संसार में जो ज्ञान होता है उसकी महिमा के बारे में बता रहा हूं। दुखद यह है कि परम धाम के ज्ञान के समक्ष इस संसार का ज्ञान कहीं नहीं ठहरता। मैं आपको थोड़ा सा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बता देता हूं। बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया, उसके बचने की आशा नहीं रही, उसके हकीमों ने बहुत इलाज किया लेकिन ऐसा लगा कि वो मर जाएगा। किसी ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य हैं वो आपको ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि मैं काफिर से अपनी चिकित्सा नहीं कराऊंगा। जब नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य आए तो उन्होंने कहा कि बादशाह आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप कुरान पढ़ते रहिए, मैं आपको कोई औषधि नहीं दूंगा, आपको केवल कुरान दूंगा। वो राजी हो गया, उसने कुरान के पन्नों पर एक दवा का लेप कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि बख्तियार खिलजी पन्ने जब पलटता है तो होठों से लगाता है, अर्थात ये जो जीवा का थूक होता है उसको छूने की आदत थी, वो पन्ने पलटता जाता है और इतने से वो ठीक हो जाता है। उसको तो
एहसानमंद होना चाहिए कि इतना ज्ञान है नालंदा विश्वविद्यालय के पास कि जिस मेरे रोग को सारे मेरे हकीम ठीक नहीं कर पाए पूरे देश के, वहाँ के एक आचार्य ने कागज के ऊपर दवा का लेप करके मुझे ठीक कर दिया। तो उसको क्रोध आता है कि हिंदुओं में इतना ज्ञान कहाँ से आ गया, मैं इसको समाप्त कर दूंगा। 200 घुड़सवारों को लेकर के जाता है, और जानते हैं उस विश्वविद्यालय में कितने आचार्य थे? 2000 आचार्य थे और 18000 विद्यार्थी थे। अहिंसा की शिक्षा के नाम पर ऐसा उनको कायर बना दिया गया था कि 200 घुड़सवारों के सामने 20000 की फौज भाग चली और उसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। विश्वविद्यालय की पुस्तकें, ऐसा कहा जाता है कि कई महीने तक जलती रहीं। 9 मंजिला वहाँ का पुस्तकालय था, लेकिन एक बख्तियार खिलजी की नादानी ने युगों युगों से हजारों वर्षों के संग्रहित ज्ञान की राशि को आग में जला दिया। केवल नालंदा विश्वविद्यालय नहीं जला, विक्रमशिला भी जला, तक्षशिला भी ऐसे ही हूणों ने जलाया था। न जाने कितने ज्ञान के अथाह भंडार नष्ट हो गए। ये तो क्षर जगत की मैं बात कर रहा हूं। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो क्या है इसके बारे में केवल एक वाणी की चौपाई पर्याप्त है। हके इलम ऐसा दिया जो 14 तप को ना और ना ही नूर मकान में सो दिया मैं सपने में। राज जी ने तारतम वाणी के रूप में हमें ऐसा ज्ञान दिया है, ना ही नूर मकान में अक्षर धाम में जो ज्ञान नहीं है, अक्षर को जो पता नहीं है कि नक्ष से सिक्तक की युगल स्वरूप की शोभा क्या है, वहदत का स्वरूप क्या है, निस्बत का स्वरूप क्या है, इश्क का स्वरूप क्या है, ये इसकी हकीकत और मारिफत, निस्बत की मारिफत, इश्क की मारिफत, इल्म की मारिफत। परमधाम में किसी को आज तक मालूम थी? श्यामा जी को भी नहीं मालूम थी, सखियों को भी नहीं मालूम थी। वो सारा कुछ राज जी ने हमें इस वाणी के रूप में हमें दे दिया। लेकिन हमने एक छोटा सा संप्रदाय बनाया और उस संप्रदाय पर सारे वैष्णव के नियम लाद दिए। संप्रदाय की चार दीवारी से हम बाहर नहीं निकले, मंदिरों की चार दीवारी से बाहर नहीं निकले। हमने कभी नीतिगत नहीं सीखा, इस संसार की भी नीतियों से सीखे होते कि यदि बुद्ध को अपना ज्ञान फैलाना हुआ तो नालंदा विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। वैदिक ज्ञान को फैलाने में ऋषियों के आश्रमों ने भूमिका निभाई थी। यह याद रखें, जो आने वाली वर्तमान पीढ़ी अपने ज्ञान को संरक्षित नहीं करती है, आने वाली पीढ़ी के लिए कोई ज्ञान की राशि नहीं सौंप करके जाती है, वह उसका भविष्य भी नष्ट कर डालती है। श्री संसार को कौन चला रहा है? देखिए, वेद के एक मंत्र में क्या कहा गया है, सत्येन उत्भित्ता भूमि, सत्य से पृथ्वी टिकी है। लेकिन सत्य किस पर आश्रित रहेगा? ज्ञान के बिना सत्य कैसे आश्रित रहेगा? यदि आपके पास ज्ञान ही नहीं रहेगा तो सत्य का पालन कैसे करेंगे? आपके पास परम धाम का ज्ञान है लेकिन वो वाणी में केवल है, आप उसका चिंतन नहीं करेंगे, संसार में फैलाएंगे नहीं। केवल हमने तो उसे केवल सेवा की वस्तु बना दिया। वाणी को सिंहासन पर रखने का उद्देश्य क्या था? कि वाणी के कथन को प्राथमिकता दी जाए, किसी व्यक्ति का कथन, किसी स्थान का कथन उसकी जगह न लेने पाए। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमने वाणी जो अक्षरातीत का कथन है उसको किनारे कर दिया, हमने व्यक्ति के कथन को महत्वपूर्ण माना कि अमुक महाराज जी ऐसा कहते हैं, अमुक हमारी परंपरा है तो हमें ऐसा करना है। लेकिन वाणी क्या कहती है ये हम भूल जाते हैं। स्थान और व्यक्तिवाद के हावी होने पर वाणी का सिद्धांत किनारे हो जाता है। इस देश में जब से मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ, आप जानते हैं इससे सबसे अधिक लाभ किसको होता है? जो बड़े बड़े महंत हैं, मठाधीश हैं, केवल उनको लाभ होता है। तो कुछ लाभ पंडित पुजारियों को होता है और मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है उसका अधिकतर लाभ गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में चला जाता है, एक व्यापार बन गया है। हिंदू समाज जो अपना पैसा देता है, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूँ, जिसकी जो आस्था हो करे, मैं तो उस कड़वे सच को उजागर कर रहा हूँ कि आज के समय में
क्या करना चाहिए। जो चढ़ावा चढ़ता है, अब जैसे मान लीजिए तिरुपति मंदिर में, जानते हैं प्रतिदिन का चढ़ावा कितना है, प्रतिदिन कम से कम 2 करोड़ रुपए का चढ़ावा आज से 10 साल पहले था, आज कितना है मैं नहीं जानता। इसी तरह से साईं बाबा के मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, वैष्णो माता के मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है। हिंदू समाज तो अपनी श्रद्धा के अनुसार दे रहा है, लेकिन उसका उपयोग जो परमात्मा के नाम पर होना चाहिए था, ज्ञान के फैलाव में होना चाहिए, वो कुछ नहीं होता। पहले क्या होता था, ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे, उन आश्रमों में जनता जाती थी, उनको ज्ञान का प्रकाश मिलता था, मंदिरों से ज्ञान का प्रकाश नहीं मिल रहा है। आप सोचिए, जब महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है, वहां 1000 पंडित थे लेकिन विद्वान एक भी नहीं था, परिणाम क्या हुआ, उसने मूर्ति को तोड़ा और कितना हीरा मोती निकला, 400 खच्चर और ऊंटों पर सोना चांदी हीरे मोती लाद करके वो ले गया। जितना धन सोमनाथ के मंदिर में था, उतने धन से तो तक्षशिला जैसे कई विश्वविद्यालय बन जाते। और प्राचीन काल के ऋषि मुनि क्या करते थे, भरद्वाज ऋषि क्या करते थे, शालिग्राम की पूजा नहीं करते थे, शिवलिंग की पूजा नहीं करते थे, वो यज्ञ कुंड में हवन करते थे, वेद पढ़ते थे। यदि यज्ञशालाएं होती, हर कोई घर पर कुछ भी हवन कर लेता, महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी क्यों तोड़ते, क्यों उस धनराशि को ले जाते। ज्ञान का प्रचार न होने में सबसे बड़ी बाधा इन मंदिरों ने पहुंचाई, संप्रदायवाद का निर्माण इसमें हुआ। दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे पास परम धाम का ज्ञान है, और हमारे समाज में भी मूर्ति पूजा धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। व्यक्तिवाद और स्थानवाद से बचाने के लिए तो वाणी को सिंहासन पर पधराया गया था कि केवल वाणी के कथन को अक्षरातीत का कथन माना जाए, क्योंकि हक बैठे इन इलमे तो दिल अर्श हुआ रोशन, इस वाणी के रूप में कौन भी राजमान। अक्षरातीत के कथन, आरती अंग चतुर्दश के री पांचों स्वरूप मिल एक मेर, यदि 5 स्वरूप महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है, अक्षर की आत्मा है, श्यामा जी की आत्मा है, राज्य का आवेश है, जागृत बुद्धि है और धनी का जोश है, ये 5 स्वरूप उस तन में विराजमान है, परम धाम की वाणी का अवतरण हुआ। और सबसे बड़ा, इससे बड़ी दुर्भाग्य हम क्या कहेंगे, एक बार कश्मीर में दंगा फैल गया था, जानते हैं उसका कारण क्या था, हजरत बल जो दरगाह मस्जिद है उसमें मोहम्मद साहब के बाल रखे थे, वो बाल कहीं खो गए थे, न जाने क्या क्या दंगे में हो गया। बाल के खो जाने पर मुस्लिम समाज अपना संतुलन खो बैठा और दंगा कर दिया। श्री जी के तन से होने वाली लीला में सुंदर साथ साहित्य लिखते थे, जो कुछ श्री जी के मुखारविंद से सुना जाता था वो सब लिखते थे, आज हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमने उस विरासत को संभाल कर रखना नहीं सीखा, हमने ये नहीं समझा श्री जी के मुखारविंद से कितने अमृतमय शब्द निकलते होंगे, क्योंकि हमने जरूर 400 मंदिरों की रचना कर दी, 400 मंदिर बनाए, पूजा पाठ हो रहा है, उसके समानांतर ज्ञान की राशि को सुरक्षित करने के लिए और चितवनी की विधा को फैलाने के लिए हमने कुछ नहीं किया। मान लीजिए मैं किसी व्यवस्था में चुक नहीं निकाल रहा हूं, मैं तो अपने हृदय की भावना कहता हूं, मूल स्वरूप को जो इच्छा होगी वही होगा, हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उत्तरदायित्व तो हमारा है कि हम चिंतन अवश्य करें कि हमारी किस चुक से वाणी का ज्ञान संसार में नहीं फैल पाया। आज संसार को आतंकवाद से रोकने की सामर्थ्य हमारी वाणी में थी, लेकिन हमारे पास खुद इतना ज्ञान हृदय में नहीं है तो हम संसार को क्या समझा पाएंगे। हम सारे हिंदू समाज के संप्रदायों को एक परब्रह्म की शिक्षा दे सकते थे, हम जो आज इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर आतंकवाद का झंडा लेकर के चल रहे हैं कि सारी दुनिया को इस्लाम स्वीकार कराएंगे या सारी दुनिया में बाइबिल का प्रचार करेंगे, उनको भी हम बता सकते थे, चाहे कोई कुरान को मानने वाला हो, बाइबिल को मानने वाला हो, परम धाम की इस वाणी से उसका लक्ष्य प्राप्त हो सकता था। लेकिन जब वो ज्ञान हमारे पास ही नहीं रहेगा तो हम दूसरों को क्या बताएंगे।
और यही हमारी भूल होती गई। जैसे गुम्बद जी का निर्माण हुआ, उसके साथ विश्वविद्यालय भी बना होता, बहुत बड़ी व्याख्यानशाला होती जहां वाणी पर व्याख्यान होते, बहुत बड़ा पुस्तकालय होता। यदि नालंदा में 9 मंजिला पुस्तकालय बन सकता था तो हम सुंदर साथ भी बना सकते थे। बहुत बड़ा ध्यान कक्ष होता जहां हजारों सुंदर साथ बैठकर एक साथ ध्यान करते, तो आप सोचिए हमारे समाज का इतिहास कुछ और होता, इस देश का कुछ इतिहास और होता। क्योंकि हमने इस इल्म के सागर की गरिमा नहीं समझी। क्या हके इल्म ऐसा दिया जो 14 तब को ना। आप सोचिए, आप चारों वेदों को पढ़ जाइए, सारी उपासना पद्धति का ज्ञान कहां समाप्त हो जाता है? त्रिपाद ऊर्ध उदयित पुरुषा तक जाकर के रुक जाता है। पादो से विश्वाभूतान त्रिपादे से अमृतादि तक रुक जाता है। गुहाम प्रविष्टो आत्मनो तदर्शना तक रुक जाता है। इसके आगे क्या करें, कोई विधान नहीं है। उस ज्ञान को हमारे समाज में पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन हम सुंदर साथ ये नहीं समझ पाए कि वाणी के अवतरण के समय महामती जी के मुख से क्या शब्द फूट रहे हैं। न के वाणी माया माहे अवाणी बरसात में टिके वाणी। राज जी ने तो हमें अपने हृदय का बहता वारस तारतम वाणी के रूप में दे दिया, लेकिन या तो हमने इसको पूजा की वस्तु समझा केवल, या एक केवल किताब का रूप समझ लिया। इस ज्ञान राशि के अंदर जो अक्षरातीत का प्रेम बह रहा है उसको हमने नहीं समझा कि नख से सिक तक श्यामा जी का श्रृंगार क्यों दे दिया राज जी ने, मारिफत के सारे रहस्यों को क्यों उजागर कर दिया। इसकी गरिमा तो जिसने वाणी कही है वो जानता है, या जिस महामती जी के हृदय से वाणी अवतरित हुई है केवल महामती जी का हृदय जानता है। मेरे दिल के दर्द की एक साहे जाने बात, और ऐसा कोई ना मिलिया मैं जासू करूं विख्यात। ये महामती जी के शब्द हैं। महामती जी का हृदय देख रहा है कि 5000 की जमात तो मेरे साथ है, लेकिन इस ब्रह्मवाणी को फैलाने के लिए क्या करना है। सबकी असमंजस स्थिति को देखकर यही तो चौपाई उतरी होगी। आप सोचिए, बुद्ध के साथ कुछ हजार शिष्यों का समूह चलता है और कुछ ही वर्षों में पूरे मध्य एशिया तक धावा मार देता है। सुंदर साथ 5000 की जमात में पन्ना जी तक तो रहा होता है, लेकिन जब ईश्वरी शिष्ट का राज्य समाप्त होता है 1745 से 1775 तक, उसके बाद जीव सृष्टि का राज्य हो जाता है 1745 से लेकर 1775 से लेकर 1845 तक। और इन 70 वर्षों में कर्मकांड का जाल बिछ गया, दिन पर दिन वो कर्मकांड तो बढ़ता गया, ज्ञान छिपता गया, चितवनी छिपती गई। आज हमारी हालत क्या है हम अच्छी तरह से देख रहे हैं। आज 40 लाख सुंदर साथ में से 40,000 का 40,000 भी नहीं है, मैं समझता हूँ 10,000 भी सुंदर साथ ऐसे नहीं है जो चितवनी की गहराइयों को समझते हैं। 10,000 भी सुंदर साथ चितवनी कर रहे होते तो मुझे कोई कष्ट नहीं होता। आज हमारे पास उच्च स्तर के 10 भी विद्वान नहीं है जिसके द्वारा हम विश्व स्तर पर अपनी गूंज करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शिक्षा को नगण्य कर दिया। जैसे पौराणिक हिंदुओं ने शिक्षा को रसातल में पहुंचा दिया, उन्होंने साक्षात नारायण को तदुद्कार किया। एक दलित है, शूद्र है, उसको कहा कि अछूत है, इसको मंदिर में न घुसने दो, और पत्थर के नारायण को 56 भोग खिलाना शुरू कर दिया। जिस नारायण ने अपने स्वरूप में सारे प्राणियों को बनाया है उसको दुद्कार दिया, और अपने बनाए हुए पत्थर के नारायण में प्राण प्रतिष्ठा कराने लगे। मुझे तो डर लगता है कल को कहीं राज जी श्यामा जी की मूर्ति बनाकर सुंदर साथ भी उनमें प्राण प्रतिष्ठा न करना शुरू कर दे, ऐसा लगता है। कुछ लोगों की विचारधारा भी है, उनका बस चलेगा तो एक न एक दिन राज श्यामा जी की मूर्ति बनाकर ये पांच ये तीनों भक्त की आरती पूजा शुरू करवा सकते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा। ये बातें मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जो समाज में हवा बह रही है, मेरे मुख से ये बात निकल रही है कि सुंदर साथ याद रखें, इस छठे इल्म के सागर को केवल तारतम की 6 चौपाइयां न समझें।
तारतम का बल कोई न जाने, एक मूल जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त की बातें है तारतम में कई रूप। राज्य के दिल में जो कुछ है वो तारतम के रूप में नहीं थे। इस तारतम को हम केवल एक मंत्र मान लेते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, मंत्र में बीज रूप से ज्ञान निहित होता है, जैसे बरगद का बीज बहुत छोटा होता है उसमें वृक्ष छिपा होता है, उसी तरह से देवचंद जी के तन से एक चौपाई उतरती है, महामती जी के तन से पांच और चौपाइयाँ उतरती हैं, छह चौपाइयों का तारतम अवतरित होता है। लेकिन संसार का कल्याण तो होगा जब उस तारतम रूपी बीज से वृक्ष निकले, वृक्ष से फल फूल निकले, उस फल की फूलों की सुगंधि से सारा संसार सुवासित उठे। हम यदि केवल मंत्र का ही जप करते रहेंगे, केवल पूजा पाठ ही करते रहेंगे, ये नहीं देखेंगे कि राज्य के हृदय में जो इल्म का अनंत सागर बह रहा है, इश्क का अनंत सागर बह रहा है, अक्षरातीत के अनंत सौंदर्य की राशि को हम संसार में नहीं बताएंगे और संसार को ये नहीं कहेंगे कि संसार वालों तुम ध्यान में बैठो और जिस अक्षरातीत के बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे, वाणी में क्या लिखा है, कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, किन सुपने ना श्रवणो सो इत मिल्या निर्णय। प्राणनाथ जी के स्वरूप में कौन आया? जिस अक्षरातीत को किसी ने आज तक सपने में भी नहीं सुना कि अक्षरातीत कौन होता है। आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पौराणिकों का बहुत बड़ा विद्यालय है, आप उनसे जाकर पूछिए अक्षरातीत कौन होता है, क्या बताएंगे। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में एक बार भागवत की एक टीका देखी थी, वो टीका ऐसी थी उसमें एक एक श्लोक पर सात सात विद्वानों की टीका थी, और जो उसमें भागवत का एक श्लोक है, भगवान अपिता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मन चक्रे योग माया उपाश्रिता, योग माया की व्याख्या में कई कई पेज लिखे थे सात सात विद्वानों ने, लेकिन योग माया की कोई भी व्याख्या नहीं कर पाया था। आप सोचिए आपको राज्य ने कितना ज्ञान का सागर दिया है, आप चुटकी बजाते बता सकते हैं कि योग माया किसको कहते हैं? उन देश के उन दिग्गज विद्वानों को योग माया की व्याख्या का पता नहीं और आपको पता है, लेकिन आपको उसे प्रस्तुत करने की सामर्थ्य आपके पास नहीं है क्योंकि आपको इस योग्य नहीं बनाया गया। आपके पास मशीन गन हो, चलाने का ढंग नहीं हो तो आप क्या करेंगे? कोई भी शत्रु आकर आपकी धन संपदा को लूट ले जाएगा। आपके पास हीरों की तिजोरी है, आपको पता ही नहीं है वो तिजोरी है, चाबी आपने खो रखी है तो तिजोरी को रखे रहिए, जब तक आप हीरों को निकाल कर ज्वेलरी के पास नहीं जाएंगे तब तक तो आप कंगाल ही कहलाएंगे। उसी तरह से तारतम बाणी में वह ज्ञान है जो आज तक सृष्टि में नहीं था, लेकिन हमने एक बहुत ही छोटे विचारों से तारतम वाणी को देखा है। हमने नहीं समझा कि इस वाणी को कहने वाला कौन है, क्यों कहा है, किसके लिए कहा है और इस संसार में इस वाणी को लाने का उद्देश्य क्या था। अक्षर की आत्मा जो ये बाट देख रही थी कि कब अक्षरातीत के चरण कमल पड़ेंगे, कब सागर श्रृंगार का ज्ञान अवतरित होगा। धनी जी ध्यान तुम्हारे लिए बैठे बुद्धि बरस सहस्र चार, 4660 समय बीता दुनिया को भयो अचार। अक्षर की आत्मा प्रतीक्षा कर रही है कि कब परब्रह्म के चरण कमल आएंगे, जागृत बुद्धि भी प्रतीक्षा कर रही है कि कब खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का ज्ञान अवतरित होगा ताकि मैं तृप्त हो जाऊंगा। आज परमधाम का उस वह अलौकिक ज्ञान हमारे लिए कोई मायने नहीं रख रहा है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है जानते हैं? आचार्य किसको कहते हैं? आजकल आचार्य वह होता है जो संस्कृत से एमए पास कर लेता है उसको आचार्य कहलाते हैं। मध्यकाल में आचार्य किसको कहते थे? जो गीता उपनिषद और वेदांत की व्याख्या कर ले उसको आचार्य कहा जाता था। इसे माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, इनको आचार्य इसलिए कहा गया कि इन्होंने प्रस्थान त्रय की व्याख्या कर ली, इसलिए आचार्य कहलाए। और निरुक्त में आचार्य किसको कहा गया है? आचार्य अकस्मात आचारम ग्राह्यत, जो आचरण को ग्रहण कराए वो आचार्य कहलाता है। वैदिक काल की दृष्टि हमने भी
श्यामा जी को क्या बना दिया? निजानंदाचारी बना दिया। जिस अक्षरातीत के चरण कमल पड़ने से ये ब्रह्मांड अखंड हुआ है, जिसके लिए वाणी क्या कहती है? प्रकटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म से सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार। वाणी कह रही है प्रकटे पूर्ण ब्रह्म सकल में हमने भी उन प्राणनाथ जी को दूसरा आचार्य बना दिया। पहले आचार्य निजानंदाचार्य श्री देवचंद जी, दूसरे आचार्य महामती श्री प्राणनाथ जी या महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी, और उसके बाद अन्य तीसरे आचार्य केसर भाई, और परंपरा शुरू हो जाती है। आप सोचिए, आप परम धाम की इस ब्रह्मवाणी का कितना अपमान कर रहे हैं। आप देवचंद जी और प्राणनाथ जी को आचार्यों की पंक्ति में खड़ा कर रहे हैं, साहित्यकारों की पंक्ति में खड़ा कर रहे हैं, संतों की पंक्ति में खड़ा कर रहे हैं, इससे भी आपको संतोष नहीं मिल पा रहा है। तो आपने देवचंद जी की भी मूर्ति बनाई, प्राणनाथ जी की मूर्तियां भी बनाई है, लगता है आप परम धाम में जो राजी श्यामा जी विराजमान हैं, उनकी भी मूर्ति बनाने की आपकी इच्छा कल को हो सकती है। तो ये समाज के लिए बहुत दुखद होगा। आज आवश्यकता है कि वाणी के ज्ञान की महिमा को हम समझें। आप वाणी के ज्ञान की महिमा फैलाएंगे, प्राणनाथ की महिमा फैलाएंगे, चितवनी सबको सिखाएंगे, तो संसार आपका युगों युगों तक ऋणी रहेगा। जब सातवें दिन न्याय की लीला होगी, उस समय संसार आपको याद करके कहेगा परम धाम की ब्रह्मात्माओं, तुमने मुझे परम धाम का ज्ञान दिया था, तुमने मुझे चितवनी का मार्ग बताया था, जिससे हमने यहीं बैठे बैठे हद को देखा, बेहद को देखा, परम धाम को देखा। लेकिन यदि आप संसार वालों की नकल करके आप भी केवल घंटी घड़ियाल ही बजाते रहेंगे, वाणी का चिंतन नहीं करेंगे, चितवनी नहीं करेंगे, प्राणनाथ की पहचान नहीं देंगे, तो क्या करें, क्या होगा? ये संसार अंधकार में ही पैदा हुआ है, अंधकार में भटकता ही रहेगा। राज जी ने आपको एक बहुत बड़ा अनमोल अवसर दिया है, ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं हमेशा से ही आह्वान करता रहा हूँ। मैंने कभी सोचा था, जब ज्ञानपीठ की स्थापना हुई थी तो मैं सोचा करता था कि यदि 50 या 100 समर्पित बच्चे मिल जाते, जिनको दिन रात तैयार कराकर 10 वर्षों में उच्च स्तर का विद्वान बना दिया जाता, तो 100 विद्वानों की सहायता से मैं पूरे देश में वाणी की गूंज करा देता। लेकिन दुर्भाग्य है कि आए तो 200 बच्चे, लेकिन उसमें से 90% चले गए। आज हमारे पास केवल 10 के आसपास ही बच्चे हैं जो उस समय के रहकर विद्वान बने हैं। ये प्रणामी समाज में व्याकरण के सबसे अच्छे विद्वान जो बने हैं, विजय जी हैं, सूर्य प्रताप हैं, और भविष्य में भी बन जाएंगे। लेकिन ये दाऊद को गौरव है कि वहाँ से बच्चे गए और कुछ ज्ञान ग्रहण किए। नई पीढ़ी में कई विद्वान निकल रहे हैं, निकलेंगे, लेकिन हमारी गति तो अभी वैसे ही है जैसे ऊँट के मुँह में जीरे की तरह होती है। इससे क्या होगा, इतना बड़ा देश है। ये तो सब सुंदर साथ को अपने हृदय में ये दृढ़ संकल्प लेना होगा कि अपनी धनराज ज्ञान के प्रचार में खर्च करें, कर्मकांडों में खर्च न करें। मंदिरों की सफाई रखें, लेकिन हर मंदिर के साथ एक पुस्तकालय बनाएं, हर मंदिर के साथ एक ध्यान कक्ष बनाएं, और सोने के कलश और सोने के सिंहासन चढ़ाने की अपेक्षा साहित्य को अधिक से अधिक बांटें। आप सोचिए, राज्य स्वर्ण सिंहासनों के भूखे नहीं है, स्वर्ण सिंहासन देखने में केवल अच्छा लग सकता है। राज्य का परम धाम अनंत नूरमयी है, पूरा हौज कोसर एक हीरे की शोभा में है, पूरा माणिक पहाड़ एक माणिक के नग की शोभा में है, पूरे रंगमहल में क्या है, एक कण के अंदर अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश है। अक्षरातीत आपसे केवल यही चाहते हैं कि इस माया के संसार में आप उनकी महिमा को फैलाएं, जैसे एक पतिव्रता अपने प्रीतम की महिमा को फैलाती है, उसकी गरिमा को फैलाना उसके जीवन का लक्ष्य होता है। उसी तरह से हर ब्रह्मात्मा का उद्देश्य है, हर सुंदर साथ का उद्देश्य है कि ब्रह्मवाणी की ज्योति को फैलाए। और ये जनसमूह जो उमड़ रहा है, यह संकेत दे रहा है कि अब सुंदर साथ अपने निद्रा को छोड़ने में गौरव का महसूस कर रहा है। ऐसी चर्चाएँ होनी आवश्यक हैं जो 400 मंदिर हैं, 400 मंदिरों से वाणी का प्रकाश फैलना चाहिए। अन्यथा यदि केवल कर्मकांड ही हावी रहेगा, वाणी का ज्ञान और चितवनी की विधा नहीं फैलेगी,
प्राणनाथ जी की पहचान नहीं मिलेगी संसार को, तो आज संसार ऐसे ही अंधेरे में भटकता रहेगा और कहीं ना कहीं हम भी अंधेरे में भटकते रहेंगे। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर मैं युवा वर्ग को विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि जो वयोवृद्ध हैं वो तो संसार में कुछ समय के लिए हैं, युवा वर्ग किसी रूढ़िवादता का शिकार न पड़े, न तो रूढ़िवादी बने न भौतिकवादी बने, अपने अंत चक्षुओं से सत्य को परखे और सत्य को अंगीकार करके ज्ञान की मशाल ले और उस मशाल को दूर तक फैलाने का प्रयास करें। सबके लिए मेरी यही शुभकामना है। मैं आशा करता हूँ कि राज्य के इल्म के सागर की एक बूंद जो तारतम वाणी के रूप में हमें मिली है वो हमारे लिए एक सागर के समान है, और राज्य से प्रार्थना है, उस अक्षरातीत स्वरूप श्री जी के चरणों में प्रार्थना है कि राज्य सबके अंदर विवेक दें, जो वाणी के प्रवाह को रोकने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी विवेक मिले कि वे ब्रह्मवाणी की गरिमा को समझें और इस अलौकिक नीति को संसार में फैलाएं, राज्य के प्रेम में स्वयं डूबे और सबको डुबाएं, सारे संसार को ये बताएं कि स्वलीला अक्षर स्वलीला अद्वैत उस अक्षरातीत का साक्षात्कार कैसे हुआ जाता है, इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो इत भी दंदन होंगे और उत भी दंदन।